ओम श्री हरि गणपति नमः। तुमने मुझे टिकट की शक्ल में करोड़ों रुपए दिया है, लेकिन मैं फूटी कौड़ी के भी लायक नहीं हूँ। मैं दूध और केले का चढ़ावा चढ़ाऊंगा, फिलहाल तो इस चाय से ही काम चलाना पड़ेगा। सब वक्त वक्त की बात है। ये कौन है? नीलकंठ? अरे ये तो अपने बाले भाई और सुकुमारन है। क्या बात है बड़े भाई, मुझे लगा मामला रफा दफा कर दोगे। अगर मैं सही टाइम पर ना जाता तो ये हमेशा वहीं रहता। हाँ ठीक है। अरे ये चाय तो भगवान के लिए थी, तुमने क्यों कटक ली? भगवान को चाय कौन चढ़ाता है? भगवान चाय भी पीता है। सुनिए ना, अब मेरा क्या? तुम्हें क्या करना है ये तुम सोचो। अरे मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मुझे सेठ को पैसा देना है। सेठ को पैसा देना पड़ेगा? पूरा मामला पैसे का तो था। बाले भाई, सुबह सुबह मेरे मुंह से गाली मत निकलो। ठीक है, क्या बोल रहा है? पहले तो आराम से बैठ। कितना पैसा देना है? पुराना हिसाब ही गिनाओ क्या? देख पुराने हिसाब की बात मत कर, नया बता। वेटिंग चार्ज छोड़कर सिर्फ 1500 थे। क्या तुम ये नहीं छोड़ सकते हो क्या? कोया मैं तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगा। अभी अभी जैसे ही मुझे मिलता है वैसे मैं तुमको दे दूंगा। बाले भाई जुबान के बहुत पक्के, मैं कहता हूँ ना। हाँ, इसी बात का तो मुझे डर है। दो कड़क चाय देना। अरे तो मत पीना। गाना मुझे नहीं चाहिए। हाँ। चलो बाले भाई मेरा मामला मत बोलना। तुझसे तो मैं परेशान हो गया हूँ। ठीक 10 तारीख आते ही तेरे खाते में 50,000 रुपए आ जाएंगे। बालेटन के लिए पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास पैसा आता ही मैं दे दूंगा, तू टेंशन मत ले जा। अरे यार गफ्फर, कब से चाय मांग रहा हूँ। अरे दो यार। खैर एक बात बताओ मुझे, बोल के गया 10 तारीख को 50,000 आ जाएंगे, किस बिना पर बोला? लॉटरी लगने वाली है क्या या नोट छापने की मशीन है? बातें मत करो। ईपीएफ का मतलब क्या है? प्रोविडेंट फंड। नहीं मतलब बेटों के लिए जमा पूंजी। तुमने सुना होगा मेरे पिताजी को वही मिलने वाली है। इस बारे में हमने सब सुना है। तो वो सब तुमने अपने ऊपर उड़ाने का सोचा है। तो ये तुम्हारा अच्छा समय है, अब देरी मत करना। तुम्हारे पिताजी इस जमा पूंजी को लेकर कुछ दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो मुझे ताना क्यों मार रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, चुपचाप बैठो, मुझे मैटर समझाओ। मैं बताता हूँ, तुम्हारे पिताजी भार्गव की दुकान पर पीएफ के पैसों से वॉशिंग मशीन खरीदने गए थे। भार्गव की दुकान? उनको वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? वो खुद नहीं गए थे, उन्हें ले जाया गया था। उसके घर में एक सूअर की खोपड़ी वाला छोटा भाई जो है वही लेके गया था। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, उन्होंने अपना हिसाब किताब पूरा किया और उनके पास पैसे ही नहीं बचे। इसी मैटर की वजह से तुम्हारे बाप ने घर पर पंचायत रखी। हे भगवान, बेकार के पेड़ों को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। ये भी सही है, तुमने तो मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। इसे आपके पेड़ की जड़ों में डालो। पिताजी मैं ये कल कर दूंगा सब, मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाना है। मैंने कहा ना अभी, मतलब अभी। अरे यार अरे यार, इनकी खेती बड़ी और गाय का गोबर। पिताजी, भैया आ गए। माँ भाभी इधर आइए, जल्दी आइए। माँ भाभी जल्दी आओ, जल्दी। भैया आ गए, जल्दी। भैया आ गए। हाँ नीलकंठ, सामान उतारो। हाँ हाँ। अरे सूरी, उसकी मदद करो ना। वो क्या है? वॉशिंग मशीन, केल्विनेटर, लेटेस्ट मॉडल। सिर्फ एक बटन दबाओ, धोना सुखाना सब कुछ अपने आप। अरे हाथ लगाओ ना यार। पिताजी बड़ी वाली है। हाय पापा, आज मेरी प्यारी बच्चियां स्कूल नहीं गई क्या? आज सेकंड सैटरडे है। ओ आज सैटरडे है, ये तुम दोनों के लिए चॉकलेट है, अंदर जाकर खा लो। थैंक यू। तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अच्छा वॉशिंग मशीन की खुशी में। अरे राधिका उन्हें बताओ वॉशिंग मशीन कहाँ पर रखनी है। चलो अंदर चलो। सुनो माँ, ये लो खासकर तुम्हारे लिए पंकज कस्तूरी, सर्दी जुकाम के लिए सबसे अच्छा। हाँ और पिताजी मैं आपके लिए ये कुछ बीज लाया हूँ जो काफी अच्छी है, जो एक तरह की अलग ही फली है, बैगन भिंडी जो सब जल्दी उगाती है। मैंने अपने हिसाब से किचन गार्डन का सारा सामान खरीद लिया है। हाँ। भाले भाई, तुम्हारा कितना हुआ पिछला बैलेंस मिला करना? बोल 200। हाँ ये तुम 280 रुपए रखो, बाकी मैं बाद में देता हूँ। जाओ जाओ। अरे आप पिताजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या आपको पीएफ का सारा पैसा ऐसे ही घर की चीजों में खर्च कर देना है क्या? कई लोगों ने मजाक बना के रखा है पीएफ का कि बाप की जमा पूंजी बेटे के नाम, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का हक है, उसे आपको अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए ताकि वो आपके बुढ़ापे में काम आए और आप लोग अच्छे से गुजारा कर सकें। चलो माना कि बच्चे अच्छे हैं, लेकिन अब इसे ही देख लीजिए, ये किसी काम का नहीं है, भूत बनकर खड़ा हुआ है। कितना सारा काम है, चल चल के मुझे बता। आजा। अरे आना चल। अब बोलो।
उसे हमारी जरूरतें बहुत अच्छे से मालूम है। ये कर्ज उतारने के लिए तुम्हें अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ेगी। अपनी काली भविष्यवाणी से मुझे ललकारने की जरूरत नहीं है। जब सर पे पड़ेगी तब पता चलेगा। अरे क्या हुआ? उम्र कैद की सजा कितने साल के लिए होती है? लेकिन क्यों? मेरे सवाल का जवाब दो। 12 साल? हाँ सही कहा। हम दोनों की उम्र में काफी फासला है। मेरी बात सुनो। मेरे काम में रोड़ा हटाने से अच्छा है तुम अपनी हकीकत को पहचान लो। मैंने किसी के लिए रोड़ा नहीं डाला। तुम्हें वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए भार्गव की दुकान पर जाने की क्या जरूरत थी? मैं तो पिताजी की मर्जी से गया था। नहीं, पिताजी तुम्हारी वजह से गए, यही सच है। मुझे पता है कुछ दिनों से तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। मैंने तुमसे 50,000 उधार लिए है ना। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात याद रखो, तुमने मेरे साथ गलत किया है। तुमने बहुत बेरहमी से मेरी बजाज स्कूटर छीनी है। अब मैं बस से चलता हूँ और तुम मेरी स्कूटर से। अच्छा है, बहुत अच्छा। ना समझ बनने की कोशिश मत करो। ये जो अभी अभी वॉशिंग मशीन आई है ना, वो भी उधारी पर है। लेकिन ये उधारी मैं नहीं चुकाऊंगा, तुम चुकाओगे। मैं क्यों? हाँ, तुम्हारे जिगरी दोस्त की दुकान शहर में है, क्या नाम है उसका? हाँ, मैंने मशीन वहीं से खरीदी है। जब मैंने उससे बिल मांगा तो उसने कहा मैं सुधीर से बात कर लूंगा, तो असल में तुमने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब तुम वहाँ पर जाना और पूरा पैसा पे कर देना। जैसा कि मैंने कहा, हम जल्दी ही मिलेंगे। अप्लायंस, ये मत भूलो मैं बड़ा भाई हूँ। अरे लेकिन रुको, नहीं, आराम से, मेरी परी कहाँ जा रही है? पापा आज आप मुझे नहलाओगे। मुझे भी। ओके 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 ओके, मैं तुमको नहलाऊंगा, क्या कहती हो राधिका? सबसे प्यारे हमारे पापा, वो आज हमें नहलाएंगे। बच्चे कोयल की तरह गुनगुना रही हैं, मुझे अपना प्यार जता रही हैं। तुम्हें इससे जलने की जरूरत नहीं है। हाँ बताओ। मैं अभी तुम्हारी माँ को मना के आता हूँ। आप जब देखो तब मम्मा को ही मनाने में लगे रहते हो। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत सीधी है। सबसे अच्छे किसके पापा? हमारे पापा। राधिका। नहीं, उत्तपा बना रही। जमाना कितना बदल गया, उत्तपा डोसा के शेप में। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बोल दो राधिका, बोल दो जो बोलना है, जरा मैं भी तो जानू। ये बताओ दोस्त को शादी पे क्या गिफ्ट दिया, चेक या कैश? चेक। कल जो तुमने सामान खरीदा उसके लिए भी चेक से ही पेमेंट किया होगा? नहीं, उसका ना चेक दिया ना कैश दिया। सलाम है तुमको। यहाँ क्या चल रहा है तुम्हें कैसे पता चल जाता है? इसी को तो बालेटन कहते हैं। तुमने अय्यर द ग्रेट देखी है? मैं भी उसी फिल्म के बिल्कुल अय्यर के कैरेक्टर की तरह ही हूँ, मुझे सब कुछ साफ नजर आता है। तुमने सिक्स सेंस के बारे में सुना है? बड़े आए सिक्स सेंस वाले, तुम्हारी हरकतों से मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं हमें कहाँ लेकर जाएगा। जहाँ भी लेकर जाएं, जाने दो ना, उसके बाद हम दोनों साथ चलेंगे। छोड़ो, सुनो यार, कोई देख। आज तुम्हें बैंक नहीं जाना है क्या? आज जाना है। फिर अब तक गए क्यों नहीं तुम? मैं डोसा वो बना लेगी। हाँ, लोग कहीं भी किसी भी वक्त डोसा बनाने में लग जाते हैं। हाँ, दोपहर में ये लो, उधर रख दो, डोसा जल गया है।